गुलाब जामुन है, शाही टुकड़ा है, गाजर का हलवा है, कलौटी कबाब है, इटालियन सैलेड है, रशियन सैलेड है और आइसक्रीम सब पसंदीदा कबाब बन रहा है। कश्मीरी चाय आज नहीं है, कश्मीरी चाय आप जब उस दिन आए तब थी। हेलो गाइस, मैं आयुष्मान। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे लखनऊ कैटर्स आ चुका हूँ और कुछ लोग डिमांड कर रहे थे फिर से भाई हमें लखनऊ कैटर्स का वीडियो बना दीजिए और काफ़ी लोग फिर से कमेंट्स कर रहे थे कि भाई हम इनकी कहाँ पे साइड लगी है, तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे तो मैं उनके लिए वीडियो लिखे हैं। तो चलते हैं यहाँ के मेन ओनर से मिलते हैं और एक डिटेल जानते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सर कैसे हैं? बढ़िया सर। अपनी कैटरिंग का नाम बता दीजिए। लखनऊ कैटर। अच्छा, ये है आपका बोर्ड? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। अभी सर हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? हम लोग आर एम मेहता लॉन, ये हरदोई रोड। ठीक है सर, कौन सा पैकेज लगा है अपने पास? भैया पैकेज आज भी नहीं है, आज भी कस्टमाइज मेन्यू है। अच्छा, कितने लोग का लगा है आज? आज 700। अच्छा सर, पूरे 700 लोग का लगा है? जी जी जी। अच्छा क्या क्या दिखाने वाले हैं? देखिए सैलेड है जी, इसमें फ्रूट क्रीम सैलेड है, रशियन सैलेड है, इटालियन सैलेड है जी, इसके बाद आपका स्प्राउट्स है, ग्रीन सैलेड है, कचूमर सैलेड है जी, सभी तरह के सैलेड है इसमें। अपने सर पैकेज के बारे में बता दीजिए कुछ। देखिए पैकेज के बारे में ये है कि हम लोग जो है प्लेट पे काम करते हैं, पैकेज प्लेट पे भी करते हैं, पैकेज पे भी करते हैं जी, बट आम तौर से होता ये है कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जी, वो कुछ उनकी ख्वाहिश होती है उसके अकॉर्डिंग वो एक मेन्यू कस्टमाइज कराते हैं। अच्छा, सेलेक्ट करते हैं जी, उसी कस्टमाइज मेन्यू पे ही ज्यादातर काम होता है। जैसे आज का कौन सा हुआ? जैसे आज का है, देखिए आज ये है 25 दिसंबर जी, आर एम मेहता लॉन। हाँ। ये वलीमे की दावत है। अच्छा, वलीमा है। तो जैसे आज स्टार्टर्स में नॉन वेज में जी, जैसे मान लीजिए चिकन बर्रा है, पसंदा सीख है, काकोरी कबाब है, मटन कोरमा है, मटन अचारी है, मटन दम बिरयानी है, बटर चिकन, चिकन वेज नॉन वेज दोनों है ना। वेज में देखिए आप, वेज में पनीर बटर मसाला है, मलाई कोफ्ता है, मिक्स वेजिटेबल है, दम आलू बनारसी है, तवा सब्जी है, दाल मखनी है, मटर पुलाव है, दही गुजिया है, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, बेबी नान, पूड़ी कचौड़ी, पापड़ अचार, चटनी, और उसके बाद आपका डेजर्ट में गाजर का हलवा है, शाही टुकड़ा है, गुलाब जामुन है, केसरिया दूध है, आइसक्रीम्स हैं, तमाम तरह की रोट। हाँ, ड्रिंक्स में अगर आप आइए तो मॉकटेल्स हैं, रेड बेरी डिलाइट, ब्लू लगून, ग्रीन नाइट, पैशन फ्रूट, वर्जिन मोहितो, सूप्स हैं। ज्यादा कम भी करा सकते हैं ना अपने हिसाब से? जी, असल में देखिए जिस तरीके की हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जैसा उनका बजट है जी, जैसी उनकी ख्वाहिश है, उसी के हिसाब से मेन्यू बना लिया जाता है। भाई किसी का बजट कम है तो उस हिसाब से दो चार आइटम ऊपर नीचे कर लिए जाते हैं। मतलब होता यही है, हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर किसी का कम बजट का भी काम है जी, तो उसमें मेन्यू जितना हो सके बेहतर से बेहतर ही जाए जी। तो जब बेहतर से बेहतर मेन्यू जाएगा ही भाई, तभी हमको दूसरा काम मिलेगा। बिल्कुल, हमारा एक क्लाइंट जैसा काम करेंगे अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो उसके थ्रू 10 लोग और काम कराएंगे। हाँ सर, खाने में क्या क्या बना है वो हमें दिखा दीजिए। आज के मेन्यू में देखिए मटन कोरमा है जी, मटन अचारी है, अच्छा बटर चिकन है जी, फिश फ्राई है, फिश फ्राई भी है, हाँ चिकन केएफसी भी है, अच्छा ठीक, लगन मुर्ग है ये ना, हाँ अच्छा आपका गलौटी कबाब है, ठीक मटन बिरयानी है, ये मटन बिरयानी, हाँ चिकन टिक्का बिरयानी है, अच्छा चिकन टिक्का बिरयानी ये ना, हाँ ठीक, शाही टुकड़ा है, खोल के दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आप। अच्छा ठीक है, इसके अलावा जो है आपका गाजर का हलवा है। हाँ तो सर दिखा दीजिए इसको, ये ना, हाँ बिल्कुल, केसरिया दूध है, ये केसरिया दूध है, गुलाब जामुन है, अच्छा खोल के दिखाइए भाई, अच्छा और आइसक्रीम, आइसक्रीम भी है, ये आपका नॉन वेज में है, बाकी वेज इधर लगा हुआ है। और क्या वेज में आपका? मिक्स वेजिटेबल है, दम आलू है, तवा सब्जी है जी, पनीर बटर मसाला है, दही गुजिया है, मलाई कोफ्ता है, दाल मखनी है, मटर पुलाव है, फिर सूप्स है, डोसा है उधर, अच्छा आपका फिर चाइनीज वगैरह है। अच्छा, बाकी नॉनवेज स्टार्टर आपको देखना है तो वो दिखा दें आपको। सर नॉनवेज वाला दिखा दीजिए, नॉनवेज का स्टार्टर दिखा रहे, देखिए ये लगा नॉनवेज स्टार्टर, अच्छा है? इसका बोर्ड भी लगा नॉनवेज स्टार्टर का। बिल्कुल, जैसे ये आपका चिकन बर्रा बन रहा है, चिकन बर्रा जी, ये आपका पसंदीदा कबाब बन रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए आपका काकोरी सी कबाब है, ये वही वाला ना? हाँ ठीक है, ये आज नॉनवेज में तीन ही स्टार्टर है। अच्छा, तीन ही, कभी दो होते हैं, कभी तीन होते हैं, कभी पांच भी होते हैं, कभी 10-10, 11-11 भी हो जाते हैं। और ड्रिंक्स में दिखा दिए, ड्रिंक्स में आइए, ड्रिंक्स में देखिए ये मॉकटेल्स हैं। अच्छा मॉकटेल्स हैं, ठीक है, और सारे फ्लेवर रहेंगे ना? हाँ सारे फ्लेवर हैं, 5-6 फ्लेवर हैं, ठीक है, और उसके अलावा कॉफीज हैं। हाँ ये आपका स्मूदीज हैं।
अच्छा ये ना। हाँ ये भी दो तीन फ्लेवर्स में है। ठीक है। और कॉफी है, कुल्हड़ वाली चाय है अपने पास। अच्छा कुल्हड़ वाली चाय। जी जी। कश्मीरी चाय देगी क्या? कश्मीरी चाय आज नहीं है। कश्मीरी चाय आप जब उस दिन आए तब थी। अच्छा अच्छा, ऑन डिमांड वो भी हो जाएगी ना? तो आप कुछ भी मांगेंगे हमारे पास हर तरह के शेफ्स हैं। अच्छा, अपना किचन नहीं दिखाया अभी तक आप? बिल्कुल, चलिए आप देखिए। देखिए किचन में आपको ले आए, देखिए जैसे मटन बिरयानी है। हाँ। देखिए करीब करीब इसे खोलो, देख खोलो तो गुड्डू भाई। देखिए हमारे मोहम्मद अली भाई फिर आ गया। किसे आ गए ना? हाँ ये रहते हैं। हेलो बोल दीजिए एक बार। हेलो। देखिए मटन बिरयानी है, ये दम मटन बिरयानी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए इधर मछली फ्राई हो रही है। बिल्कुल। ये रोहू मछली फ्राई हो रही है। रोहू मछली। हाँ ये 6 किलो 7 किलो का पीस है। अच्छा, 7 किलो बड़ा मछली। ठीक है। उसके बाद देखिए बटर चिकन निकाल के दिखा दिए कुछ, ये ना। अच्छा देखिए बटर चिकन है। बिल्कुल ठीक है, ये बटर चिकन। ठीक, और इसके बगल में क्या लगा? ये भी वही है क्या? नहीं नहीं, निकाल के दिखाइए। मटन कोरमा। मटन कोरमा निकाल के दिखाइए थोड़ा। बिल्कुल ठीक, इसके बाद में इसके बगल में चिकन अचारी। मटन अचारी। मटन अचारी जी। ठीक, अब देखिए ये चिकन टिक्का बिरयानी भी बनने जा रही है। चिकन टिक्का बिरयानी। हाँ बढ़िया बन ही रही है, मतलब एक ये बन रही है और एक ये बन चुकी है। अच्छा ये अली बन चुकी है, तैयार हो गई। हाँ उसके अलावा ये दिखाई गुड्डू भाई, ये क्या है? ये लगन मुर्ग है, मतलब लगन चिकन है। अच्छा लगन चिकन। ये आपका गलावटी कबाब होगा। खोल के दिखाइए। बिल्कुल ठीक, इसके बाद में ये यही है मेन्यू आज का। और बाकी एक चिकन अलबैक है, वो आपका उधर ही लगा हुआ है। अच्छा ठीक, देखिए शीरमाल। शीरमाल बाकी नान अभी बनेगी, ये ना। हाँ नान बन रही है अंदर, और बाकी रुमाली रोटी और मुगलई पराठा जो है। हाँ। वो बन ही रहा है। अच्छा। रुमाली रोटी मुगलई पराठा, यही मेन्यू है। ये तंदूर, ये तंदूर लग रहा है पूरी के लिए। ये पूरी निकाल रहे हैं। अच्छा, और ये तंदूर निकल है उसमें। इसमें मिस्सी रोटी है, लच्छा पराठा है, बेबी नान है। ठीक, पूरी कचौड़ी यहाँ बन रही है। अच्छा वेज वाला आइटम ना? ये वेज वाला आइटम। ठीक है, ये सेटिंग खाना है, बैठा के जो खाना खिलाएंगे आपके चौथीयारों को, वैसे ही सब प्लेट्स पैक हैं। बिल्कुल, मीठा वगैरह लगा दिया है। बाकी जब खाना कहेंगे। अच्छा। जब वो लोग आएंगे उसी वक्त मौके पे फौरन खाना स्टार्ट कर गरम गरम लगा दिया जाएगा और गरम गरम सर्व कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर, अपने पैकेज के बारे में एक बार बता दीजिए। अगर कोई पैकेज में काम कराना चाहता है तो मान लीजिए 500 लोगों का काम उसको कराना है जी, तो वेज वाला जो है 2.25 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। 2.25 लाख। हाँ 500 लोगों का। ठीक है स्टार्टिंग। हाँ। बाकी इसके ऊपर भी है। और नॉन वेज का अगर शुरू करेंगे जी, तो 3 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी। अच्छा, प्लेट में काम कराना चाहे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर 500 लोगों का करा रहे हैं और 3 लाख पड़ रहा है तो ये मान लीजिए कि 600 रुपए। हाँ। से स्टार्टिंग नॉन वेज का हो जाएगा। अच्छा, और वेज का जो है 2.25 लाख, मतलब 450 से स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सर वीडियो के लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है हमको मौका दें जी, चाहेंगे कि हम आप लोग का काम करें। हाँ। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो। और वीडियो से कैसा रिस्पांस आ रहा है? वीडियो से रिस्पांस बहुत अच्छा है जी, और ऑल ओवर इंडिया। हाँ। कहीं भी अगर आप बुलाएंगे। हाँ। तो हम आपको यही सेम जायका जी, सेम टेस्ट जी, और बेहतर सर्विस। हाँ। देने का वादा करेंगे और वैसे ही आपको डिलीवर करेंगे। क्या साथ में डेकोरेशन भी करते हैं क्या? नहीं डेकोरेशन हम लोग तो नहीं करते हैं, डेकोरेशन। अच्छा। का पार्ट तो अलग ही हो गया। अच्छा, हम लोग का केटरिंग और केटरिंग का जो भी डेकोरेशन है। हाँ। वो हम लोग करेंगे। काउंटर्स वगैरह डिस्प्ले वगैरह वो सब हम लोग करके देंगे ना? जी जी, वो हम लोग करके देंगे। ठीक है ठीक। अगर जैसे आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तब के लिए जय हिंद जय भारत।